वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जी ये है संडे की मॉर्निंग जो कि बहुत ही खूबसूरत और हसीन मॉर्निंग हो रही थी। और जी आज मैं अपने ब्लॉग का स्टार्ट करती हूँ इसी मॉर्निंग के साथ। तो जी यहाँ संडे वाले दिन कराची में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही थी और जी तकरीबन 11:05 हो चुके थे और हम सब बैठ चुके थे कार में, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा चलो भाई जल्दी से रेडी हो जाओ और हम सब नाश्ते के लिए बाहर जाएंगे। तो बस पेट्रोल रिफिल करवा के हम जा रहे हैं नाश्ता करने। और पहले रहता था हम बोट बेसन जाएंगे, लेकिन बोट बेसन हमने जाना कैंसिल कर दिया क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। तो हमने सोचा क्यों ना सीवीओ जाकर वहाँ पर अपने रेन भी इंजॉय करेंगे और अपना ब्रेकफास्ट भी इंजॉय करेंगे। तो बस यही होता है, मेरे हस्बैंड अचानक से प्लान कर देते हैं। हमारा कोई रास्ते प्लान नहीं था, बस अचानक से वेदर देखा और चलो भाई बैठो कार में और चलते हैं नाश्ते के लिए। और कभी कभी अचानक प्लान जो होता है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ओ भैया पीछे बादल देखो कितना खतरनाक आ रहे हैं। अब आएगा मजा। ये करने बादल को मार रहे हैं। तो बादल डालो पीछे, देखो अपने पीछे तारे पीछे, तो देखो पीछे इससे बनाओ इससे बनाओ। ये तुम्हारे ग्लासेस है ना, जी हम सीबीओ पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं बहुत लोग आए हुए थे मौसम एंजॉय करने। और तकरीबन 11:30 का टाइम था ये, और आहिस्ता आहिस्ता करके ना लोग और आते गए क्योंकि आपको पता है वेकेशन से ऊपर से मौसम इतना हसीन था। तो कराची वालों को तो है जैसी हसीन मौसम हो और बारिश हो ना सबसे पहले वो सीबीओ की तरफ से रोक पड़ते हैं। और जी बस यहाँ पर हम सीबीओ आ गए, तो सबसे पहले हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करेंगे अपना, उसके बाद हम यहाँ पर अपनी रेन एंजॉय करेंगे। तो जी बस हम यहाँ ब्रेकफास्ट सर्च करें कि क्या है। वैसे तो खैर हमारा रहता था कि हलवा पूरी खाएँ क्योंकि ऐसे मौसम में ना हलवा पूरी का तो मज़ा और दुबाला हो जाता है। वाह वाह वाह, बहुत ही मज़ेदार लगती है हलवा पूरी खासतौर पर बारिश में। तो और जी बस हमने यहाँ पर हलवा पूरी ऑर्डर कर दी थी और अपनी कार के अंदर इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि बाहर इतनी इतना पानी हो रहा था ना कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हमने निकल के और हम वहाँ पे नाश्ता इंजॉय करें, तो हमने कहा कार सेफ है और कहीं से पानी भी टपकेगा, हम अपनी नाश्ता इसमें कार में इंजॉय करेंगे। और मेरे हस्बैंड ने सीट को बिल्कुल लाई डाउन कर दिया था और हम वहाँ नाश्ता करके अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय कर रहे हैं। तो जी बस ब्रेकफास्ट इंजॉय करके हमने चाय भी ऑर्डर कर दी थी और अब चाय हम लेके जाएंगे सीवीओ और वहाँ पे अपनी चाय इंजॉय करेंगे। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. चलो घर चलो, चलो दामू घर चलो, चलो घर चलो, हो गया एंजॉय, नहीं जाना घर उसको। दामू बारिश हो रही है, बारिश नहीं नहीं करोगे बारिश में? बहुत नहाया है ना।
अच्छा जी, यहाँ दाइम ने तो इतना तंग किया है ना हमें कि घर आ ही नहीं रहते दाइम। बस कह रहे थे बस मैं बारिश में ना हूँ और बस घूमूँ पार्क में। अच्छा तकरीबन 3 दिन से ना बच्चों को पार्क में मुसलसल लेके जा रहे हैं मैं और मेरे हस्बैंड, और तकरीबन आपको पता है मौसम इतना हसीन हो ही रहा है कि दिल चाहता है बस यहाँ घूम लें वहाँ घूम लें, और आज भी इत्तेफाक से हम सीबीओ आए गए। तो जी बस यहाँ पर आप भुट्टा ले रहे हैं, भुट्टा ले नज़र आ गए थे और सर्दी हल्की हल्की सी मेरे बच्चों को लगने लग गई थी और मुझे भी लग रही थी, क्योंकि मैं भी आज बारिश में बहुत इन्जॉय किया मैंने भी, और जब से बारिश हो रही है ना तो आज मैंने इन्जॉय करा है सही से, क्योंकि जब बारिश हो रही थी ना तब कुछ ना कुछ मैं काम में बिजी रहती थी और मैं बारिश इन्जॉय कर ही नहीं पाती थी। तो बस आज फुल इन्जॉय किया और भुट्टा लिया, भुट्टा ने तो मौसम में जान डाल दी और गर्मा गर्म भुट्टा खाने का मज़ा ही अलग है। और आपको पता है सीबीओ आओ और भुट्टा ना खाओ ये तो इम्पॉसिबल है। तो जी बस अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, थोड़ी सी मेरी पिक्चर्स थी जो यहाँ पे मैंने लगा दी हैं। और देखें घर आने के बाद भी ना दाइम का दिल नहीं चाह रहा था कि वो घर में आए, और वो अम्ब्रेला के साथ अपने इन्जॉय कर रहे हैं। और जी मैंने क्या करा, घर आके बस थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, उसके बाद मैंने एज़ यूजुअल जैसी बारिश होती है तो मेरा मस्ट है पकौड़े बनाना, तो बारिश में पकौड़े ज़रूर बनाती हूँ। तो बस एक दो दिन पहले भी बारिश हुई थी लेकिन मेरी तबीयत सही नहीं थी तो मैं पकौड़े बना नहीं सकी थी, तो बस मैंने सोचा कि अब क्यों ना बारिश के साथ इंसाफ किया जाए और मौसम इंजॉय किया जाए। तो बस यहाँ मैं पकौड़े बना रही हूँ, या मैंने मिक्स वेजिटेबल ले ली थी, आलू के पकौड़े बना रही थी और छोले बना रही थी। तो बस साथ साथ मैंने बेसन मैंने घोल लिया था और यहाँ छोलों का मसाला रेडी हो रहा है, दूसरी तरफ पकौड़े में बना रही हूँ वेजिटेबल्स पालक आलू प्याज के, और मैंने आलू भी कट कर लिए क्योंकि आलू के पकौड़े तो मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद है। और ये जो केक है ना मेरी नन के घर से आया, क्योंकि उनके बेटे की रात को बर्थडे थी अब्दुल हादी की, तो बस ये उन्होंने मुझे भी केक भेजा था। तो बस हम चाय के साथ ये सब इंजॉय करेंगे और ये सब बन जाएगा तो हम इसे टेरिस पे लेके जाएंगे और वहाँ जाके खाएंगे, क्योंकि पकौड़े बनाओ और टेरिस पे इंजॉय नहीं करो बारिश में मज़ा नहीं आता। तो बस जी यहाँ चाय जो है वो मैं टेरिस पर ही बनाऊँगी और छोले और ये सब मैंने रेडी कर लिया और हम टेरिस पे आ गए हैं। और जी यहाँ पर हमने चटाई भी छा ली है और बस हम अपना केक भी इंजॉय करेंगे। और आपको पता है ना मक्खियों का सीज़न बहुत है तो हर चीज़ कवर करके रखनी पड़ रही है, स्पेशली मीठा। अच्छा जी, तो यहाँ मैंने टेरिस पर चाय भी रेडी कर ली थी और यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड अब चाय इंजॉय कर रहे हैं। तो जी बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और जो जो मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे क्या होगा मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा, फ़ी अमान अल्लाह।